वेलकम टू बैक माई चैनल राज वैभव स्किल में। राज वैभव स्किल में आप सभी दर्शकों का फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा कि अगर आपके लैपटॉप में जब भी आप इंटरनेट अपने मोबाइल से कनेक्शन करते हैं तो इंटरनेट जल्दी ख़त्म हो जाता है। जैसे इंस्टाग्राम व्हाट्सएप अगर ओपन करते हैं तो जल्दी 10 से 15 मिनट में ही 1 GB 2 GB डेटा ख़त्म हो जाता है। उस प्रॉब्लम को दूर कैसे करें? देखिए, उस प्रॉब्लम को आप घंटों घंटों तक चलाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको बस एक सेटिंग करना है। उस सेटिंग को करने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पे स्टार्ट जो बटन है यहाँ पे जाना है। एक बार और मैं बता दूँ कि ऐसा होता क्यों है, क्योंकि जब आप नया लैपटॉप लेते हैं तो विंडोज़ का जो भी अपडेट आता है तो ऑटोमेटिकली वो क्या होता है, इंस्टॉल होना शुरू हो जाता है। इसलिए क्या होता है, आपका जो भी डेटा है वो जल्दी ख़त्म हो जाता है। अब वो चीज़ ऐसा ना हो, ऑटोमेटिक इंस्टॉल होना ना शुरू हो, उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए आपको क्या करना है, आपको स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पे टाइप करना है सर्विसेज। क्या टाइप करना है? सर्विसेज। और देखिए यहाँ पे सर्विसेज का ऐप आ जाएगा। इस सर्विसेज पे आपको क्या करना है, क्लिक करना है। जैसे ही डबल क्लिक कीजिएगा तो ये देखिए यहाँ पे सर्विसेज का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। इसमें क्या करना है, इसको ड्रैग करके लाना है और इसमें विंडोज़ अपडेट नाम का एक ऑप्शन होगा, विंडोज़ अपडेट, उस पर आपको क्लिक करना है। एक देखिए यहाँ पे विंडोज़ अपडेट आ गया, यहाँ पे विंडोज़ अपडेट पे क्लिक करके इसको सेलेक्ट करना है। उसके बाद इस पर डबल क्लिक करना है जिससे कि विंडोज़ अपडेट ओपन हो जाएगा। और इसमें देखिए यहाँ पे जो स्टार्टअप टाइप दिख रहा है यहाँ पे ऑटोमेटिक डिलेड स्टार्ट है, मतलब ये ऑटोमेटिक जो भी विंडोज़ में अपडेट आएगा तो ऑटोमेटिक ये क्या हो जाएगा, इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। तो इस चीज़ को आप नेट बचाना चाहते हैं, नेट घंटों घंटों तक चलाना चाहते हैं तो सिंपल आपको एरो बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पे डिसेबल का ऑप्शन दिख रहा है, डिसेबल पे आपको क्लिक कर देना है या फिर मैनुअल भी कर सकते हैं। जब तक आप परमिशन नहीं देंगे तब तक वो इंस्टॉल नहीं होगा। डिसेबल मैं तो ये कहूँगा डिसेबल कर लीजिए, डिसेबल कीजिएगा तो कोई भी अपडेट आएगा वो इंस्टॉल नहीं होगा। तो डिसेबल पे आपको क्लिक करना है, उसके बाद अप्लाई पे क्लिक करना है, देन उसके बाद अप्लाई पे क्लिक करने के बाद आपको ओके पे क्लिक कर देना है तो ये चीज़ डिसेबल हो जाएगा, कोई भी अपडेट आएगा तो वो ऑटोमेटिक इंस्टॉल नहीं होगा। अब देखिए ये फिर से आप उसको ऑटोमेटिक चाहते हैं कि ऑटोमेटिक हो जाए, मेरे पास बहुत ज़्यादा डेटा होता है इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे ऑटोमेटिक उसको कर ले रहा हूँ क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा विंडोज़ का अपडेट आता है। बट आपके पास अगर ऐसा इशू आ रहा है नेट जल्दी आपके लैपटॉप में ख़त्म हो जाता है तो आपको ऐसे कर देना है और यहाँ पे जाके डिसेबल कर दीजिएगा तो हो जाएगा। मैं ऑटोमेटिक डिलेड स्टार्ट कर दे रहा हूँ इसलिए कि मेरे पास जो भी अपडेट आता है तो मैं उसको इंस्टॉल करता हूँ और मेरे पास ज़्यादा डेटा होता है तो इसलिए मैं ऑटोमेटिक कर ले रहा हूँ। बट जिनके पास जो मोबाइल से कनेक्ट करते हैं उनके पास एक लिमिट डेटा होता है, वो जल्दी उनके लैपटॉप में जैसे ही कनेक्ट करते हैं तो उनका GB ख़त्म हो जाता है तो उनको यहाँ पे एरो पे क्लिक करके डिसेबल कर देना है और अप्लाई पे क्लिक करके ओके कर देना है। तो मैं यहाँ पे ऑटोमेटिक फिर से कर लिया हूँ, उसके बाद अप्लाई पे क्लिक करके ओके कर ले रहा हूँ, ठीक है, ताकि जो भी अपडेट है मैं उसको इंस्टॉल वो ऑटोमेटिक इंस्टॉल हो जाए। इस तरह से आप ये जो भी आपका ये जो सेटिंग था इस तरह से आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप सभी को समझ में आ गया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी बच्चों का प्रॉब्लम दूर हो जाए।